अस्सलामुअलैकुम गाइस सब्सक्राइबर और व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें और आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं ये आपकी मेहरबानी है। आज आपका भाई दोबारा आपके लिए जो है एक नया व्लॉग लेकर आ रहा है और बस अभी हम लोग जाना खड़े हुए हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे भाई। बस ये तैयारी हो गई है, अच्छा निकलने का सोच रहे। गाड़ी स्टार्ट कर। 11 सीबीओ चले, 11 वहाँ चले, पहले कुछ पेट पूजा करेंगे उसके बाद कहीं निकलेंगे। राजो नहीं है भाई, आज वो नहीं है बोला भाई। राजो राजू आज शार्ट है। राजो राजो राजू ओ राजो लगता है ये पागल हो गया। ओ राजू दूसरा आ जाएगा, भंगी आ जाएगा। राजू राजू भंगी आ जाएगा। राजू का इंतजार है, जैसे ही राजू आता है उसके बाद डिसाइड करते हैं। उसने पता नहीं क्या बोला, सेवियर सेवियर सीवियर लिखा ही नहीं, उसने सीवियो लिख रहा था। वो सीवियो लिखा या पता नहीं सेवियर लिखा। भाई बता ना, बता भाई 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 मेरा भाई बता 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 या स्पून लिखा या पायरनेल लिखा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ ना कुछ उसने लिखा है तो बस उसका इंतजार है। मेरे ख्याल से वो सीवियो लिखना चाह रहा था, आ गया वो सेवियर, तो बस उसका इंतजार है। वो जैसे ही आता है इंशाल्लाह फिर डिसाइड करते हैं और फिर चलते हैं। वैसे मेरा तो इरादा भाई, तू तो आज कहीं और जा रहा था, तू कैसे इधर शामिल हो गया? मैं कहीं और भी गया हूँ, आज भी गया हूँ। डबल प्रोग्राम तेरा, पागल बनाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। डबल फोड़ कर। हाँ भाई फराज सलाटे, कैमरामैन प्लस सिक्योरिटी गार्ड, एक बार भी बोल दो। हाँ फारूक भाई, भाई साहब करना क्या है, इसमें जाना है या इसमें जाना है? मेरे ख्याल से आज इसमें चलते हैं यार फारूक भाई, हैं आज इसमें चलते हैं। ये कभी करने का मतलब है, पार्किंग वार्किंग का नहीं होगा, इसी में चलते हैं। इससे पूछते हैं ना, मसला पता है, इससे पूछते हैं कि क्या बोल रहा भाई, किसमें चलते। चलो यार अगर पार्किंग का मसला है तो फिर यही ठीक है, छोटी गाड़ी ये कैसे भी गली से निकालो आराम से, कराची के हालात में जाना छोटी गाड़ी बेहतर है। देखा धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बड़ी गाड़ी है, दूसरा बंदा चलो निकालो। चलो यार छोटी गाड़ी, चलो यार बैठो अंदर, चलो भाई निकालो। अरे ये कोई नया बंदा लग रहा है, ये उस्ताद, ये हमारा वो है क्या कहते हैं, ये टिड्डू आया है रंगीर खान से, आया है घूमने फिरने के लिए। ये घूमने फिरने आया था, इसको जो है ना उन्होंने काम पे लगा लिया है। कभी मुनाई के साथ लगा रहे हैं, कभी धोबी के साथ लगा रहे हैं, कभी बर्गर वाले के साथ लगा रहे हैं, कभी चिप्स वाले के साथ लगा रहे हैं। तो आदमी है या जिन है जो को उन्होंने काम पे लगा दिया। हाँ और ना ये बेचारा आया था कराची घूमने, किधर आया था, इसने बोला मैं कराची जाऊंगा, कराची घूमूंगा, सीवीओ देखूंगा, घूम लिया मदार। अभी तक इसको एक जगह नहीं दिखाई, समंदर भी जाऊंगा जो है ना इसको उस काम में भर के हल्को उल्टा होना। कभी कूलर उठवा रहे हैं, कभी बाल्टी उठवा रहे हैं, वो देख वो कूलर देख, वो कूलर है वो देख वो देख। चलो चलो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चलो चलो तो उसमें मौसम भी जो है ठंडा हो गया है और आज से कराची की जो है कराची वाली सर्दी आज से शुरू हो गई। वैसे तो सर्दी मौसमी सर्दी शुरू हो गई, ठंडी ठंडी हवा है और ये जो है हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और सभी हम गाड़ी में ही फैसला करेंगे कि हमने जाना किधर है। आप पहले आप उसकी बात नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ पहले अगर बंदा चला गया और वापसी में खाता पीता रहे थे भाई है चल रहा ही है। ओके मैं कह रहा हूँ पहले अगर आप क्यों चले जाते हैं और फिर वापसी में अगर खाते पीते हैं तो कुछ मिलेगा यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वही वाला सीन होगा पिछले हफ्ते जैसे गए थे ना, तो कह रहा यार आपको ये डागा और ना आपको सही अच्छी। अच्छा तो भी हमारे बाद में डाल। हाँ यार ये है कि लास्ट टाइम जो ना हम लेट हो गए थे तो हमें खाना सही नहीं मिला था और हमारा जो है मजा खराब हो गया था। वो तो ये है कि भला हुआ अल्पाइन आइसक्रीम वालों का कि उनकी आइसक्रीम खाई तो वो कवर मिल गया था। वरना हमें असल में जाना था हवेली रेस्टोरेंट हाईवे, हम गलती से चले गए हवेली रेस्टोरेंट फाइव स्टार चौरंगी नारदाबाद। तो मैं देखने वालों को स्पेशली कहूंगा कि भाई अगर हवेली रेस्टोरेंट जाना है तो हाईवे जाना, नारदाबाद फाइव स्टार चौरंगी कभी गलती से ही मत जाना। सन्नाटे में बैठे हुए, इंतजामिया भी बेकार है, खाना भी बेकार है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मनी वेस्ट। तो ये बात मेरी याद अभी चले है चल रहा है ना ये यार। अगर सीवीओ जा रहे हैं तो बंस रोड कैसा रहेगा? बेस्ट है सर,
बंस रोड में यार, बंस रोड में फोन आया है वहाँ से स्पेशल जो है ना उनका, कौन सा स्पेशल ऑपरेटर वाला है ना, कराची फूड वालों का ना, उसका जो है ना मैसेज भी आया था, फोन भी आया था कि यार अगर आप हफ्ते को वीकेंड वाइब पे आएंगे तो हमारी तरफ चक्कर जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो हमारी जो है ना वीलॉग से बहुत इंस्पायर हुए हैं और उन्हें जो है ना बड़ा देख के अच्छा लगा है, और पब्लिक ने वहाँ डिमांड भी करी है कि यार ये जो वीकेंड वाइब वाले हैं ना, डेली शोगल मेले वाले और जिगली बड़ी जो है, ये आजकल वायरल चल रहा है, टॉप ट्रेंड पे चल रहा है हमारा, तो कभी भी आप जो है ना जब भी अपनी कोई वीडियो फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप लगाएं, तो जब हैशटैग आप डालेंगे ना, तो हैशटैग में आपको वीकली बड़ी एंड फूडी वाइब्स और डेली शोगल मेला एंड फूड वाइब्स, ये दो चैनल टॉप पे चल रहे हैं, प्लस इसके साथ जो है ना एक चैनल और टच हो गया है, शायद सेल्फी, नाम तो सुना होगा नहीं। मैं आपको बताने चाह रहा था, ये वो पुल है जिसको बोलते हैं कराची का पुल, जिसमें रोजाना ख्यालों की तबीयत जिंदा होती है, और इस पुल के बारे में कहता है, बच गए तो झूले लाल, नहीं बचे तो मंजी लाल, निकल गए तो समंदर, रह गए तो टाइटैनिक के मलबे के अंदर। इधर भाई मशहूर ज़माना जो है ना, मशहूर ज़माना इधर ख्यालों की तपिश करने वाले जो है ना इधर घूमते हैं, और जो है ना ये बहुत खतरनाक पुल है, कराची वालों को तो पता है। वे देख 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 वे। और इधर देख बराबर में मोबाइल के लिए बाइक वाले को खरीद नहीं आने दे, मोबाइल है भाई सबके पास। अरे भाई साहब ओए, अबे ओए शीशे ऊपर कर, शीशे ऊपर कर, बराबर में दो बाइक वाले खतरनाक। अरे भाई ओए स्पीड में, अरे उस्ताद मैं तो मजाक कर रहा था, अब सीरियस में दो बाइक वाले मशकूक नजर आए, हम लोग तो स्पीड मार के निकल रहे हैं, लेकिन बाकी कराची वालों फटाफट स्पीड मारो, बाकी भाई ये रोड पुल पे जो है ना चढ़ते ही थोड़ा सा ऐसा है ना, थोड़ा सा झुरझुरी सी आ गई जिसम में, और ऐसे ना बाल से खड़े होते हैं, डरती बात है उस्ताद। बाइक वाले पीछे रह गए, खैर हो गए, हमने पुल क्रॉस कर लिया है और अभी हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। ये कौन सी है भाई, सनोवर आइसक्रीम भाई, आप लोग जो देख रहे हैं ना, आप लोगों को जो ये नोड नजर आ रही है ना, जैसे हम बिल्कुल आराम सुकून से जा रहे हैं, यहाँ पे आप दिन में 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जाके कदम बंदे की मैया मर जाती है, गाड़ियों में बैठ बैठ के ट्रैफिक जाम, बसों में टका डाक, इतना बंदे को जो है ना आधे घंटे का ये सफ़र, दो लड़ गए। अबे ये रोड बंद है भाई उस्ताद, अभी हमारे सीधे हाथ पे आ गया है वो मज़ार, वो मकबरा, वो हस्ती का मज़ार, जिसके बारे में हम कहते हैं, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। गाइस ये हमारे उल्टे हाथ पे कायदे आज़म मज़ार है, और ये हमारे बाबा कौम है, हमारे फाउंडर है, इनकी दिन रात इनथक मेहनत, और इन्होंने जो है वो जंग लड़ी है, लोग जंग लड़ते हैं मिसाइलों से, जहाज़ों से, हथियारों से, हमारे कायद ने, हमारे बाबा कौम ने कलम से जंग लड़ के ये हमें अजीम मुल्क अता किया है, जिसका नाम है पाक पाक पाकिस्तान। तो इसलिए बच्चों, नौजवानों, काट रहा हूँ, उन्होंने कलम से जंग लड़ी तो उन्होंने इंक कितनी यूज़ की होगी, इंक सिर्फ उन्होंने लिखा मुझे पाकिस्तान चाहिए। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर को हमारे कायद बाबा कौम ने पूरा किया, और सिर्फ इतना कलम चलाया कि सिर्फ लिखा अंग्रेज़ के आगे, यहूद निसारा के आगे, पाक पाक पाकिस्तान बस, और ये मुल्क हमें मिला है। इस मुल्क की कदर करो, इस मुल्क से प्यार करो, इस मुल्क के लिए जो है दिन रात एक करो, पढ़ो लिखो नौजवानों, ये कलम तुम्हारे हाथ में
बाबा ने कहा था काम काम काम, तालीम तालीम तालीम, और जो है करो इंशाल्लाह बाबा कौम की तरह बनो, और जो है तुम लोग दिन रात तरक्की करो, आमीन सुम्मा आमीन। अरे कहाँ आ गए फारूक भाई, हम बड़ा किलो किधर ले आया तू, ये सेटिंग में ला रहा भाई, बंस रोड का रास्ता गलत हो गया है, देखो तो गड़बड़ लग रही है, एक मिनट भाई एक मिनट, माल वाल साइड पे करने दे भाई, ओए बच्चा पार्टी मोबाइल साइड पे करो, माल वाल साइड पे करो उस्ताद, उस्ताद हम रोड गलत हो गया हमसे, हम बंस रोड जा रहे थे, हम जो है ना कोई बंद गली में आ गए, तो बंद गली में आ गए, वहाँ आगे पुलिस वाला खड़ा था, तो वो भी हमारा फैन निकला, जैसे हमने उसके बाद गाड़ी रोकी, हमने उससे पूछा, हमने कहा सर बंस, उन्होंने यूँ देखा हमें, कह रहा यार फारूक अली खान डेली शोगल मेला वीकेंड वाइब्स, हाँ मैंने कहा यस सर, अरे उस्ताद उनसे भी ज़रा गपशप लग गई, उन्होंने कहा सीधा जाओ, सीधा आगे जाके हाथ उल्टे हाथ पे मुड़ लो, उल्टे हाथ पे फिर जाके सीधा मुड़ जाना, सीधे के बाद आगे जाके चौरंगी आएगी, चौरंगी से वापसी में जाके उल्टे हाथ पे मुड़ के फिर सीधा जाना, फिर सीधे जाके आके उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, फिर उल्टे हाथ पे आके सीधा आगे पार्क आएगा हाजी अब्दुल गफूर आराम बाग आएगा, हाजी अब्दुल गफूर आएगा, फिर वहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ के आराम बाग आएगा, आराम बाग से जो है फिर निकल के कौन सा बाग, ये उस्ताद आ गया भाई, आ गए सुकून मिल गया, और फाइनली उस्ताद ये सामने आ गई बंस, ये बंस रोड है, ये देखे भाई एकदम सन्नाटे से एकदम रौनक, ये देखें ये इंसान नजर आए, ये भाई ये देखें उस्ताद, ये अलमक्का वाले यहाँ भी, ये अलमक्का आइसक्रीम यहाँ भी है भाई, मजेदार अलीम भी है, हाय 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 हाय, खुशबू कटाकट भी खा ले, चल भाई ये फूड से ब्रांड कटाकट के नाम से मैंने जरा सुना है, कटाकट आवाज इसकी भी है भाई, इसकी भी बड़ी मशहूर है, हमें किसने दावत दी थी, हमें दी थी दावत आगा सिंची ने भी दावत दी थी, यहाँ पे तुम पहुँच गए, लेकिन यहाँ की एक मशहूर चीज़ है जो मैं भी पहले बताऊँ बाद में बताऊँ, अभी बता दो, यहाँ की मशहूर है सबसे इमरान कटाकट, जिसने नहीं खाया तो बंस रोड समझो आया क्यों, अगर जिसने वो नहीं खाया, खुशबू कैसी आ रही है बेटा, खुशबू पेड़ खराब कर दिया, अरे खराब हो गया अभी से ही, चलो मतलब छुए दौड़ रहे, अबे छुए दौड़ रहे, हाँ भाई सलाटे इधर गया सलाटा, तो मत पूछो भाई आज खुशबू कैसी है, आज हफ्ते का दिन था, हमने सुबह से खाली एक कप चाय पी है, किसी चक्कर में इधर लगा देते हैं ना शाइन शिनवारी, नहीं इधर लगा देते हैं, आगे जा, आगे जा, वो कटाकट जो है वो, अबे आगे जा, आगे जा, इधर ही लगा देता हूँ कौन बोल रहा था, इमरान इमरान कटाकट, इमरान कटाकट, तू पहले गाड़ी खड़ी कर ऐसी जगह पे, अरे तलाल चौधरी उस्ताद आगे टांगा खड़ा हुआ है, वापसी पे इसमें भी बैठेंगे फारूक भाई, बैठेंगे इसमें भी भाई, ये प्लेटर हाउस बोल रहे थे मैं तुम्हें, मैं तो कह रहा हूँ कटाकट मटाकट सब कुछ जो है ना बाद में ट्राई करते हैं, ये जो प्लेटर हाउस है इसको ट्राई कर लेते हैं, क्या बोलते हो उस्ताद, ये तो फैमिली से भरा हुआ है, जगह लेनी पड़ेगी रूफ पे, अनवर मठन है, और ये कौन सा प्लेटर हाउस है, तू गाड़ी तो खड़ी कर गई अंदर नहीं भाई, गली में लगा ट्राई क्या करना उस्ताद, अनवर मठन भी है, अनवर मठन सही आ रहा है उसको, बिल्कुल मजे आ रहा है, सामने प्रिंटर हाउस है, एप्पल रोल है, हाँ ग्रीन एप्पल में क्या भाई, हरा सेब है, ग्रीन एप्पल में हरा सेब है, यार एक मिनट बात बताइए क्या, मेरे को अपने मन से पूछने थे कि उस्ताद खाना क्या है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, इधर इतनी सारी चीज़ें समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, खाए क्या, आवे बट्टी क्या मूडा भाई, जरा बट्टी क्या मूडे बता, आप लोग खाने में हाँ भाई, इमरान कटाकट ढूंढ के आपको बताता हूँ, फिर भाई पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बैठा हुआ है, सही है,
और ये इंशाल्लाह जब वजीर आजम बनेगा पाकिस्तान के सारे मसले हल कर देगा। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम ये रहा भाई। बाबा जानी तवा आइसक्रीम लाइव बना दे रहे तू कुल्फी कुल्फी खाने के बाद खाएंगे भाई। अबे ये ग्रिल फ्रेश ये वो सब फलाना ढिमकाना सुपर शाइन छिंदवाड़ी आजा मेरा भाई आजा मेरा भाई आजा इसके साथ बना ले कुछ है? ये क्या है भाई छिंदवाड़ी छिंदवाड़ी में क्या क्या है भाई सिगरेट पीना मना इनका भी खाना मेरे को अच्छा लग रहा है। इनके पास भी सब कुछ है तवा बना लिए सब। हाँ भाई उस्ताद इतने खाने पीने के आइटम है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल इतने खाने पीने के आइटम है खुदा की कसम समझ ही नहीं आ रहा है कि खाना क्या है करना क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई। उस्ताद मैं कम से कम एक किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा हूँ वहाँ से इतने खाने पीने के आइटम है इतने खाने पीने के आइटम है लेकिन अभी तक जो है ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि खाना क्या है। वैसे जो है ना बंदे को मैंने फोन जो बोला कैफे लजीज जो है ना सामने के दिख रहा है कैफे लजीज यहाँ पे तारिक भाई होते हैं कैफे लजीज में तारिक भाई होते हैं तारिक भाई को बोलने के कटाखट बना दो स्पेशल वाला स्पेशल कटाखट बनाते बाबा सर्दी हो रही है मौसम ठंडा है कटाखट कटाखट हो जाए इसी में कैफे लजीज में चलो भाई कैफे लजीज का कटाखट खाएंगे आज। यूसुफ भाई ने गरम मसाला दाढ़ी वाला बंदा तारिक कटाखट भी बनाता है ये कटाखट बना रहा है यूसुफ भाई ने भेजा है तारिक भाई के हाथ का कटाखट खाना है भाई। तारिक भाई क्या बन रहा है ये कटाखट ही बन रहा है ये कटाखट है भाई। जोड़िया बाजार में काम धंधा कर रहे थे आज आपको दिक्कत हो सुबह में आपको कोई बीमारी तो नहीं आ रही थी हिचकियाँ आ रही थी बस आपको याद किया जा रहा था वहाँ पे। तो भाई ये तारिक भाई ये माशाल्लाह आज इनके हाथ में जो है ना सात बंदों का ये खतरनाक गली में छोटा करने के लिए भेजा मैं बराबर में हमारा उधर कटाखट का ऑर्डर लगा उन्होंने कहा बराबर में गली है थोड़ी खतरनाक लग रही है अगर मैं 10-15 मिनट में नहीं आया तो मेरे पीछे आ जाना। बात तो सही है छोटा करने इधर आया हूँ छोटा करने ठीक है थोड़ी सी जगह मशकूक लग रही है अगर मैं 10 मिनट में नहीं आया ना तो बराबर में पुलिस है 15 को कॉल कर देना सही के अबे अब तो मेरा पीछे छोड़ दे। A few moments later यार 15-20 मिनट हो गए ऊपर जाना चाहिए खड़े हुए बंदा देखो किधर है। चलो यार ऊपर जाना चाहिए बंदा अभी काफी देर से निकला नहीं कर क्या रहा है देखे तो सही जाके कहाँ गया मुझे तो यार डर ही लग रहा है बड़ा ये यार ये कौन है अरे ये मिल गया की कसम ना तो तू करने दे रहा है और ना तू जो है छोड़ रहा है अभी मैंने छोटा किया ही नहीं है तू मेरे पीछे आ गया अंदर आ जा तू। चेस नहीं था क्या जिसने भी मशवरा दिया है पैसे वसूल है पीछे लगा हुआ है। अबे भाई छोटा तो कर रहे थे अबे भाई हम तो इसलिए आए थे।